साइबर अपराधियों ने बनाया प्रशासनिक अधिकारियों को शिकार। फेसबुक आईडी हैक कर प्रियजनों से मांगे पैसे। साइबर क्राइम का खुलासा करने वाले खुद हुए शिकार। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। फरुखाबाद, इंटरनेट और ऑनलाइन कार्य प्रणाली से लोगों को जितनी सुविधा दी है वहीं उतना ही परेशानियां भी बढ़ा दी हैं। इंटरनेट के बढ़ते चरण में साइबर क्राइम भी बढ़ते जा रहे हैं, इससे हमारा जनपद फरुखाबाद भी अछूता नहीं है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब किसी से ऑनलाइन ठगी ना हो। हालांकि इसमें पुलिस कार्रवाई तो करती है परंतु इस पर रोक नहीं लग पा रही। इसीलिए पुलिस ने साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने हेतु लोगों को जागरूक करने की मुहिम शुरू की और अपराधों के लिए पुलिस ने अलग से विंग बनाई। और पुलिस की ये विंग केवल साइबर क्राइम संबंधित मामलों की छानबीन व कार्रवाई करती है। आपको बता दें कि ये विंग लोगों को साइबर क्राइम का शिकार होने से बचाने के तरीके बताती है और जब कोई साइबर क्रिमिनल इन्हीं को अपना शिकार बना ले और इनसे ठगी कर ले तो क्या हो। जी हां, उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में ऐसा ही हुआ। हमें ठगी से बचाने वालों को ही किसी ने ठग लिया। साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने वाले ही इसका शिकार हो गए। और सबसे हैरत वाली बात तो ये है कि शिकार भी वो हुए जिन पर अहम जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि जिन पर साइबर ठगी का खुलासा करने की अहम जिम्मेदारी है वह खुद साइबर ठगी के जाल में फंस गए, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। यानी सर्विस लांच प्रभारी विशेष कुमार साइबर ठगी के चक्कर में ऐसे आ गए कि उनके मोबाइल के सभी कॉन्टेक्ट नंबर हैक कर लिए गए और नंबर ब्लॉक करने के पश्चात भी शातिर ठग फोन कर रहा है। आपको बता दें कि सर्विस लांच प्रभारी विशेष कुमार को जल्द में ही ये जिम्मेदारी मिली है और उनकी सूझबूझ को देखते हुए ये जिम्मेदारी सौंपी गई और अब वह खुद इसके शिकार हो गए। यदि सूत्रों की माने तो सर्विस लांच प्रभारी भी ये समझ नहीं पा रहे कि ये क्या हो रहा है, फोन के सभी कॉन्टेक्ट कैसे हैक किए गए जबकि उन्होंने किसी प्रकार का मोबाइल में लिंक टच नहीं किया और इसकी गहनता से जांच भी की जा रही है। आपको बता दें कि 3 जनवरी 2024 को सर्विस लांच प्रभारी के कॉन्टेक्ट नंबर हैक किए गए। इसके बाद से सर्विस लांच प्रभारी के परिचितों के पास रुपए के लिए फोन आना शुरू हो गए, साथ ही व्हाट्सएप चैट भी किया जाता है। सर्विस लांच प्रभारी अनुसार ये नंबर राजस्थान का है और उनकी ओर से 2 नंबर ब्लॉक कर दिए गए परंतु फिर भी नए नंबर से मैसेज आने शुरू हो गए हैं। तो सावधान रहें और सतर्क रहें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।